नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो हम देखेंगे यूपी किस किस चीज में नंबर वन है। वैसे तो यूपी बहुत सारी चीजों में नंबर वन है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ एग्जाम तक सीमित रहेंगे। किस फसल में यूपी नंबर वन है, किस जो है मिनरल में यूपी नंबर वन है। एक मैंने इकोनॉमी पापा वीडियो बनाया था, उसमें सारी चीजें जो है मैंने डिटेल्ड में दी हुई है। 5-6 घंटे का वीडियो, इसको पूरा देख लीजिए। लेटेस्ट इकोनॉमी के पूरे फैक्ट, मिनरल फैक्ट, एग्रीकल्चर फैक्ट प्लस एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी सारे फैक्ट उसमें बताए हुए हैं। इस वाले वीडियो में सिर्फ यूपी स्पेसिफिक बात करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस, यूपी पुलिस सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, सबसे पहले बताता हूँ कुछ छोटी छोटी चीजें। जैसे यूपी खरबूजा और तरबूजा दोनों में नंबर वन पे है, ठीक है। खरबूजा तरबूजा दोनों एक साथ अगर आप बोले तो भाई बहन टाइप के लगते हैं। फिर यूपी जो है गन्ने में भी नंबर वन पे है, यूपी चीनी में भी नंबर वन पे है। यूपी गन्ने के, ये जो अभी मैं बता रहा हूँ ये सब प्रोडक्शन के डेटा है, तो यूपी गन्ने के प्रोडक्शन में भी नंबर वन पे है, चीनी के प्रोडक्शन में भी यानी कि उत्पादन में भी नंबर वन पे है, यूपी में जो गन्ने का एरिया है उसमें भी नंबर वन पे है, ठीक है। फिर बात करते हैं अमरूद और आम की। यूपी अमरूद में भी नंबर वन पे है, यूपी आम में भी नंबर वन पे है, यूपी मटर में भी नंबर वन पे है, यूपी आंवले में भी नंबर वन पे है। बहुत सारी जगह यूपी नंबर वन पे है। और भी चीजें देख लेते हैं इसमें, ठीक है। इसमें जैसे मैंने बताया अमरूद में नंबर वन, आम में नंबर वन, खरबूजे में नंबर वन, तरबूजे में नंबर वन, ये सब प्रोडक्शन है, ठीक है। मटर में नंबर वन प्रोडक्शन में, आलू में नंबर वन पे है यूपी प्रोडक्शन में, ठीक है। प्लस गेहूं के प्रोडक्शन में भी यूपी नंबर वन पे है, याद रखिएगा। कुल खाद्यान्न यानी कि टोटल फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में भी यूपी नंबर वन पे है। मशरूम आप जो जैसे सब्जियों में जो डालते हैं, मशरूम के प्रोडक्शन में भी यूपी नंबर वन पे है, याद रखिएगा। लौकी के प्रोडक्शन में यूपी नंबर दो पे है, ठीक है। लौकी में दो नंबर पे है। लौकी में नंबर वन पे कौन है, बिहार है, मैंने बताया था आपको। फिर आप बात करें तो आंवले में भी नंबर वन पे है यूपी, गन्ने में भी नंबर वन पे है, चीनी के प्रोडक्शन में भी नंबर वन पे है यूपी। अभी तक सब प्रोडक्शन की ही बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। एरिया सिर्फ एक जगह आया है, गन्ने के एरिया में भी यूपी नंबर वन पे है। फिर बात करें अगर आप सब्जी के प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन में नंबर वन पे यूपी है, ठीक है। सब्जी सबसे ज्यादा कहाँ पे जो है पैदा की जाती है, उत्पादन किया जाता है, यूपी में किया जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद अगर आप बात करें फलों के प्रोडक्शन में यानी कि फ्रूट्स के प्रोडक्शन में, फलों के उत्पादन में, फ्रूट के प्रोडक्शन में नंबर तीन पे है यूपी। नंबर वन पे कौन है, आंध्र प्रदेश है, मैंने बताया हुआ ये सब चीजें। फिर बात करते हैं फूल जो होता है, फ्लावर के प्रोडक्शन में यूपी नंबर आठ पे है। मसालों के प्रोडक्शन में यूपी नंबर 10 पे है। मसालों के प्रोडक्शन नंबर वन पे कौन है, एमपी है, ठीक है। केले के उत्पादन में, केले के प्रोडक्शन में नंबर 5 पे है यूपी। बताइए नंबर वन पे कौन सा स्टेट है। फिर बात करें चावल के प्रोडक्शन में, चावल के प्रोडक्शन में नंबर वन पे है वेस्ट बंगाल, नंबर 3 पे है हमारा यूपी। फिर आप टोटल हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी फसलों के प्रोडक्शन में नंबर वन पे है हमारा यूपी, ठीक है। मटर में मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। फिर बात करें दालों के प्रोडक्शन में, दालों के प्रोडक्शन में नंबर वन पे कौन है, नंबर वन पे है मध्य प्रदेश, लेकिन नंबर 4 पे हम है। पूरे देश में सबसे ज्यादा दालें कहां पे उत्पादन किया जाता है, वो एमपी में है, लेकिन नंबर 4 पे है यूपी उसमें। और दालों का जो एरिया है टोटल एरिया में नंबर 5 पे हैं हम यूपी वाले, ठीक है। तो दालों के प्रोडक्शन में 4 पे, लेकिन एरिया वाइज 5 पे। चावल में 3 नंबर पे है, गन्ने में लेकिन फर्स्ट नंबर पे है, ये जरूर याद रखिएगा। मिनरल में ऐसा कुछ यूपी में नहीं है ज्यादा, एक दो मिनरल है, वो भी बहुत ही मतलब माइनर से मिनरल है। जैसे एक एंडेलुसाइट करके मिनरल होता है, उसके रिजर्व यानी कि भंडार सिर्फ यूपी में मिलते हैं। फिर एक मिनरल है रॉक फॉस्फेट, उसके रिजर्व यानी भंडार में नंबर 4 पे है हमारा यूपी, ठीक है। नंबर 1 पे रॉक फॉस्फेट में है राजस्थान। तो ये कुछ चीजें हैं। उसके अलावा कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं कि टोटल जो है इरीगेशन यानी कुल सिंचित क्षेत्रफल में नंबर 1 पे है यूपी, याद रखिएगा। टोटल इरीगेशन एरिया वाइज अगर आप बात करेंगे तो सबसे ज्यादा यूपी में है। उसके बाद कुल नहर सिंचित जो क्षेत्रफल है यानी कि कुल जो कैनाल इरिगेटेड एरिया है उसमें भी हम नंबर 1 पे हैं। फिर कुल जो ट्यूबवेल सिंचित है यानी कि जो टोटल ट्यूबवेल इरिगेटेड एरिया है, इरिगेशन वाला एरिया, उसमें भी हम नंबर 1 पे हैं, याद रखिएगा। कुल खाद्यान्न प्रोडक्शन में भी हम नंबर 1 पे हैं, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में हम नंबर 1 पे हैं। कुल जो है गेहूं उत्पादन में, अभी मैंने आपको क्या बताया, गेहूं के उत्पादन में भी और गेहूं के एरिया में भी हम नंबर 1 पे हैं, ये जरूर याद रखिएगा। हरा मटर में मैंने आपको बता दिया है पहले ही, गन्ने के उत्पादन में मैंने पहले ही बता दिया है आपको, आम के उत्पादन में भी हम नंबर 1 पे हैं, अमरूद में भी नंबर 1 पे हैं, तरबूजे में भी हैं, खरबूजे में भी हैं, आलू में भी हैं, सब्जी में भी हम नंबर 1 पे हैं प्रोडक्शन में। फिर उर्वरक प्रयोग में अगर आप देखेंगे, फर्टिलाइजर यूज में भी हम नंबर 1 पे हैं, याद रखिएगा।
टोटल मिल्क प्रोडक्शन की बात करें अगर, तो टोटल मिल्क प्रोडक्शन में यूपी नंबर वन पे है। जल्दी से बताइए कौन सा स्टेट है जो दूध के प्रोडक्शन में नंबर टू और नंबर थ्री पे है, टॉप थ्री मिल्क की जो है रैंकिंग जल्दी से प्रोडक्शन वाली कमेंट करके बताइए, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे यहां पे गाय और भैंस के दूध के उत्पादन में भी हम नंबर वन पे हैं, याद रखिएगा। चीनी के उत्पादन में मैंने पहले बता दिया, सुगर केन में हम नंबर वन पे हैं, गन्ने में भी, चीनी में भी, और गन्ने के एरिया में भी यानी कि क्षेत्रफल में भी, ठीक है। फसल उत्पादन टोटल में हम नंबर वन पे हैं, पहले बता दिया। कुल पशुधन, ठीक है, जो टोटल लाइव स्टॉक होते हैं उसमें भी हम नंबर वन पे हैं, कुल भैंसों में भी हम नंबर वन पे हैं। सबसे ज्यादा जो भैंसे हैं यानी कि बफेलो, वो यूपी में ही पाई जाती हैं। गोवंशीय, टोटल गोवंशीय जो पशुधन है उसमें हम नंबर दो पे हैं एमपी के बाद, ये आप याद रखिएगा। बाजरे के उत्पादन में है हम नंबर दो पे राजस्थान के बाद, जौ के उत्पादन में भी हम नंबर दो पे हैं राजस्थान के बाद, शहद के उत्पादन यानी कि हनी के प्रोडक्शन में हम नंबर दो हैं वेस्ट बंगाल के बाद, ये आप जरूर याद रखिएगा। वेस्ट बंगाल में जो हनी प्रोडक्शन में नंबर वन कौन है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है। फल प्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया, फल के उत्पादन में, फ्रूट प्रोडक्शन में हम नंबर तीन पे हैं, आंध्र प्रदेश नंबर वन पे। दो नंबर पे कौन सा है फ्रूट प्रोडक्शन स्टेट, जल्दी से बताइए। उसके बाद कुल लहसुन के उत्पादन में हम नंबर तीन पे हैं, नंबर वन पे कौन सा है लहसुन के प्रोडक्शन में, वो है आपका एमपी, ठीक है। लहसुन मतलब क्या हो गया आपका, गार्लिक, ठीक। टोटल कृषि योग्य भूमि, इसमें भी हम जो है किस नंबर पे हैं, टोटल कृषि योग्य भूमि में हम किस नंबर पे हैं, ये आप कमेंट करके बताइएगा, यही एक क्वेश्चन है अभी तक, बाकी तो मैंने वैसे बता रखा है सब कुछ। टोटल दाल के उत्पादन में हम नंबर चार पे हैं, दाल के एरिया में हम नंबर पांच पे हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ बात कर लेते हैं, यूपी में कौन सा जो है जिला किस चीज में नंबर वन पे है, ये वाली चीज। जैसे आंवले में नंबर वन पे है प्रतापगढ़, केला में है गोरखपुर, तो योगी जी केला बहुत खाते हैं, इस हिसाब से याद कर लीजिए। अमरूद में है बदायूं, आम में है लखनऊ, बीन्स में है लखनऊ, लौकी में है आगरा, भिंडी बैंगन में भी आगरा है, गोभी में है उन्नाव, उन्नाव के लोग गोभी बहुत खाते हैं, गाजर में है बुलंदशहर, लहसुन में है फतेहपुर, मटर में है जालौन, आलू में है आगरा, शक्करकंद में है एटर, टमाटर में है मैनपुरी। तो ये वाला जो है यूपी स्पेसिफिक वीडियो इसी के साथ समाप्त हुआ। इसमें जो मैंने इकोनॉमिक पापा वीडियो बनाया था उसमें मैंने एमपी के बारे में बताया था, एमपी किसमें नंबर वन पे, जैसे दालों के प्रोडक्शन में एमपी नंबर वन पे है, सोयाबीन के प्रोडक्शन में एमपी नंबर वन पे है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें। अच्छा ये बताइए, कुछ आपसे पूछता हूँ जल्दी जल्दी क्विक, ठीक है। सबसे पहली बात तो ऑयल सीड के टोटल प्रोडक्शन में नंबर वन पे कौन सा स्टेट है, ठीक है। फिर दूसरी बात आपका, अगर आप यहाँ पे बात करेंगे, ये बड़ा विवादित सवाल है, देखिए अरेबल लैंड, टोटल अरेबल लैंड यानी कि कृषि योग्य भूमि में दुनिया में कौन सा देश इस समय नंबर वन पे हो गया है, वो हमारा है, कमेंट करके बताइएगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। प्लीज अगर आप हमको स्टडी फॉर सिविल सर्विस फॉलो करते हैं तो हमारा टेलीग्राम वाला फ्री वाला ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे नोटिफिकेशन वहीं पे आते हैं।